नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बूंदी में जिला बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में डिस्ट्रिक्ट क्लब बूंदी के बैडमिंटन हॉल का विधिवत भूमि पूजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर रेणु जयपाल, विधायक अशोक डोगरा और नगर परिषद के सभापति मधु नुवाल मौजूद रहे। अजमेर में ख्वाजा साहब के उर्स के बाद अलग अलग स्थानों पर बुजुर्गाने दीन का उर्स शुरू हुआ। बता दें कि उर्स की नमाज के बाद हताई अंदर कोर्ट से बाबा की चादर का जुलूस निकाला गया। धूमधाम से निकाले गए जुलूस में मलंगों और कलंदरों ने करतब दिखाए और दरगाह पहुंचकर बाबा की मजार पर अकीदत से चादर पेश की। अगर शहीद पीरगाहिब ग्यावन शाह बाबा का उर्स कई सालों से मनाया जा रहा है, दो दिन का उर्स होता है। ये 70 वर्षों से खादिम सैयद शब्बीर अली चिश्ती साहब की तरफ से पेश की जाती है, जो हमारी देख रेख में और दिल्ली से पैदल आए हुए मलंगों के कर्तव्यों के साथ ये वहाँ पेश की जाती है। इसके बाद वहाँ जाने के बाद सारे आवाम को लंगर बैठ के खिलाया जाएगा, तबरुकात पेश किए जाएंगे और दस्तारबंदी होगी। इसके बाद कल 18 तारीख को 1:30 बजे कुल की रस्म अदा की जाएगी। उदयपुर जिले के कोलियरी गांव में पशु क्रूरता का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने मानवता की सारी हदें पार कर दी। वीडियो में एक युवक घोड़ी की पूंछ पर लटक कर करतब दिखा रहा है और उसकी पीठ पर खड़ा होकर डांस कर रहा है। वही वीडियो वायरल होने के बाद एनिमल एंड संस्था के पशु क्रूरता निवारण अधिकारी ने संबंधित थाना अधिकारी को शिकायती पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग की। बारा के मांगरोल में युवक द्वारा शराब के नशे में शिवलिंग तोड़ने का मामला सामने आया है। वहीं घटना के बाद युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया आरोपी ने प्रेम में असफल रहने पर ऐसा किया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। बारा के मांगरोल इलाके में घर में घुसकर एक महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मामले की त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर विधायक दीपचंद खेरिया के राजस्थान किसान आयोग का उपाध्यक्ष बनने पर सिंधी पंचायत खेरतल और संयुक्त व्यापार महासंघ खेरतल की ओर से जोरदार स्वागत किया गया, जहां विधायक ने झूलेलाल भगवान सहित सभी संत महात्माओं की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान दीपचंद खेरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जिम्मेदारी सौंपने पर आभार व्यक्त करता हूं। मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। भीनमाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की श्रीमाल बस्ती में लगने वाली केशव संयुक्त विद्यार्थी शाखा का वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ, जहां सर्वप्रथम श्रीमाल नगर के मुख्य मार्गों से पूर्ण गणवेश स्वयंसेवकों ने पैदल मार्च निकाली। इस दौरान उन्होंने उपस्थित नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने परिवार से बालकों को शाखा भेजें। मौके पर जोधपुर प्रांत प्रचारक योगेंद्र कुमार, विभाग प्रचारक श्याम सिंह, भीनमाल जिला कार्यवाहक भूपेंद्र सोलंकी के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। लाड़नू उपखंड के ग्राम दुजार में खेल महोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया गया। गौरतलब है कि इसका आयोजन प्रतिवर्ष की भांति सुजार युवा मंच के तत्वाधान में किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में सरपंच प्रतिनिधि मोहन राव यादव और विशिष्ट अतिथि के रूप में मनोज सोनी के साथ कई लोग मौजूद रहे। तो चलिए, फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।